उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की घोसी विधानसभा सीट विधानसभा चुनाव की दृष्टि से काफी प्रचलित सीट मानी जाती है। घोसी विधानसभा से सपा के दारा सिंह चौहान भी चुनावी मैदान में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशी विजय राजभर को जीत दिलाने के लिए कमर कस चुकी है। वहीं भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री अखिलेश तिवारी मऊ जनपद के घोसी विधानसभा क्षेत्र के कोपागंज पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी विजय राजभर के पक्ष में जनसंपर्क किया। क्षेत्रीय मंत्री अखिलेश तिवारी के जनसंपर्क में सभी जाति वर्ग के लोग भी शामिल हुए। वहीं क्षेत्रीय मंत्री अखिलेश तिवारी ने बताया कि भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जाति धर्म और मजहब के ऊपर उठकर सभी लोगों को मिला है, इसलिए सभी जाति संप्रदाय को लोगों का समर्थन भाजपा प्रत्याशी विजय राजभर को मिल रहा है। आप सभी ने देखा है कि इस जनसंपर्क में मुस्लिम महिलाएं भी भाजपा का साथ दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बिना भेदभाव के सभी वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया, जिसको देखते हुए भाजपा के विजय राजभर निश्चित जीत हासिल करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी विजय राजभर जी के समर्थन में यह जनसंपर्क का कार्यक्रम है और इसी संदर्भ में हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने के लिए। आपने खुद देखा होगा कि मुस्लिम महिलाएं बड़ी संख्या में इस जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल थी। जो सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ गरीब तबके को मिला है और जात पात से ऊपर उठ करके मिला है। इस नाते वोट देने में भी कोई पीछे नहीं है, समर्थन देने में भी कोई पीछे नहीं। जात धर्म और संप्रदाय के सब बंधन टूट चुके हैं। देखिए, मैं अपने दल की बात करूं तो हमारे दल के प्रत्याशी पर कोई आरोप नहीं है। नीट क्लीन हमारे प्रत्याशी है और यहाँ का प्रत्याशी हो चाहे जनपद में जो चार विधानसभाएं हैं, चारों विधानसभाओं में हमारे प्रत्याशियों पर कोई किसी तरह के दाग नहीं है।